तो वही ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भास्कर काला ने एक कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी में फर्जी हस्ताक्षर और डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्हें गलत तरीके से इस कंपनी में निदेशक दर्शाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और फाइनेंस कंट्रोलर के जॉब पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से वो अपने रोजगार के लिए विदेश में प्रवास कर रहे हैं। कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी के मालिक मुकेश और हितेश जोशी ने उनको फर्जी तरीके से कंपनी में निदेशक दिखाकर उनके नाम से धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत उन्होंने डीआईजी पुलिस, एसएसपी और मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा कि इससे उनका पूरा परिवार और वो खुद भी बेहद परेशान है। तो वहीं उन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक कंपनी में इन्होंने फर्जी तरीके से डायरेक्टर बनाया, इसमें इन्होंने मुझे एक कंपनी में फर्जी तरीके से डायरेक्टर बनाया है। और डायरेक्टर का पता मुझे तब चला जब 2018 में मैं अपने नाम की कोई कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए, और गूगल सर्च करी मैंने, तो गूगल सर्च करते हुए मुझे पता चला कि भास्कर नंद काला इन कंपनी में डायरेक्टर है। तो मुझे जब डायरेक्टर का पता चला तो मैंने रजिस्ट्रार और कंपनीज को उसी वक्त लेटर लिखा और ईमेल भेजा, प्लस रजिस्टर पोस्ट से भी भेजा कि मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मुझे मेरी जानकारी में कोई है नहीं, अगर ये मेरे नाम है और मैं ही डायरेक्टर हूँ तो इसको हटा दिया जाए क्योंकि ये फर्जी तरीके से बनाया गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब मैंने 6-7 महीने बाद मैंने फिर चेक किया, मैंने सोचा हटा दिया होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं दिखी मुझे, मेरा नाम फिर भी आ रहा था वहां पर। तो फिर मैंने एक माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक लेटर लिखा कि मेरा नाम है कंपनी में ऐसा आ रखा है और मैं इसमें कभी ना इन्वॉल्व था, न मेरा कोई लेना देना है, न मैंने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है।